Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. और आज के हमारे इस गोल्डन जर्नी ऑफ BTS के सेगमेंट में हम लोग करने जा रहे हैं BTS के सॉन्ग मेक इट राइट का सॉन्ग रिएक्शन जो उनके एल्बम मैप ऑफ द सोल परसोना का पार्ट है। तो सॉन्ग रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सॉन्ग रिएक्शन ऑफ मेक इट राइट। Yeah. I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you, oh baby, yeah. Save my life, 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Alright, I can make it better. I can hold you tighter. This is a very heartwarming song, right? It's a very sweet song. It's like, you know, it has a very good vibe also, but it is at the same time a little bit emotional also, because this song is totally dedicated to
आर्मी बट द जिस हिसाब के लिरिक्स हैं या फिर वो बैकग्राउंड में जो जिस जो स्टोरी चल रही है वो इतनी परफेक्ट है ना, मतलब एक दूसरे पे इतनी परफेक्ट बैठ रही है, मतलब लिरिक्स के साथ वो स्टोरी में जो चल रही है और ऊपर से वो जो कॉन्सेप्ट के बीच में वो सीन्स दिखा रहे हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीन्स रखे जो लिरिक्स के अकॉर्डिंग है, लिरिक्स के अकॉर्डिंग ही सीन्स को रखा गया उसके अंदर कि वो बिल्कुल रिलेट करे एक एक चीज ना, जहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो वो लोग अब इसके मेंबर दूसरे को होल्ड भी कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग जो ओपन किस तरह से हुआ हिसाब से दिखाई है कि मतलब यू नो दे आर चेयरिंग देम कुछ भी वो लेके या फिर लेके जो दैट इज अमेजिंग एंड आई थिंक दिस इज अ बेस्ट सॉन्ग फॉर आर्मी कि ये बताने के लिए कि उनके टफ टाइम में उनके हैप्पी टाइम में आर्मी वर लाइक प्रेजेंट सो इट इज काइंड ऑफ वाइस वर्सा मतलब दे आर देयर फॉर देम मतलब दे आर देयर फॉर अस वी आर देयर फॉर देम लाइक उनके टफ टाइम पे दे वर they are to support them ki no you are doing good you will do matlab you will get it sometimes to tum dekho bhi na last mein usne jab wo dragon ko mara it was kind of matlab I thought it was suppose you know that time jis time pe BTS was struggling जिस टाइम पे उन्होंने ड्रैगन को मारा और जब वो पीक पे खड़े थे ना लाइट वाइट आई थी इट वाज लाइक यू नो दे वर वो टाइम जिस टाइम पे वो सारी ट्रॉफीज आ रही थी उनके पास मतलब लिटरली लोग जानना शुरू कर रहे थे या फिर जब उन्होंने एक तरीके से अचीवमेंट स्टार्ट हो गई थी उनकी बहुत सारी तो आई थिंक वो वाला टाइम वाज दैट टाइम जब वो एकदम से लाइट वाला टाइप का आया और बहुत लंबे टाइम के बाद उन लोगों को ऐसा कुछ मिला है मतलब बहुत कुछ हार्ड वर्क करने के बाद बहुत कुछ फेलियर्स और सब चीजें देखने के बाद वो भी स्टोरी में दिखाया उन्होंने तो दैट इज आल्सो नाइस कि और एक तो आर्मी को उन लोगों ने एक पर्सन के रूप में दिखाया कि जो उनके संग खड़ा है दैट इज अ वेरी नाइस थिंग सो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो मुश्किल दौर से गुजर के कुछ कुछ हासिल किया हो वो बहुत अच्छे से कर सकता है रिलेट कुछ 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 लिरिक्स उसमें ऐसे हैं जो यू नो नॉर्मली आपको रिलेटेबल लगेगा कि टफ टाइम में टाइप के लिरिक्स हैं उसमें मतलब बहुत मैं बोलूंगी लाइंस बहुत सिंपल हैं बट वो ना बहुत ज्यादा मी ऐसा तो नहीं कुछ चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं वैसी वाली टाइप की लाइंस है जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा नाइट चल रही थी यू आर द पर्सन हु ब्रॉट मी द मॉर्निंग मतलब तुम लेके आए मेरी लाइफ में नाइट बोलो या फिर मॉर्निंग बोलो या फिर अ न्यू डे बोलो जो भी है सो इट वाज इट इज वेरी नाइस अगर तुम किसी इंसान को ऐसा बोलते हो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू से क्या सो इट्स अ वेरी स्वीट एंड वेरी डीप सॉन्ग है मुझे लगता है कि हर इंसान जो कोई भी अगर ये गाना सुनेगा फर्स्ट टाइम आई नॉट सेइंग कि सिर्फ आर्मी बिकॉज आर्मी बहुत कैची कंपोजिशन नहीं मुझे ऐसा लगता है हाँ फर्स्ट टाइम कोई सुनेगा तो लगेगा यार क्या 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 सॉन्ग है ना आई कैन होल्ड यू टाइटर आई कैन मेक इट बेटर अगर तुम साथ में रहो मेरे साथ आई कैन मेक एवरीथिंग राइट हाँ इज नाइस या लिरिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला चंक है कि अगर तुम साथ रहो तो आई कैन मेक इट राइट आई कैन डू ऑल राइट एंड ऑल दोस थिंग्स दिस इज ब्यूटीफुल हाँ कोई भी अगर ये गाना सुनेगा ना तो वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम या फिर मेरे को ऐसा लगता है और वीडियो तो है ही वीडियो तो अच्छी है ही या वो जो स्टोरी बॉय वाली चल रही है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर कोई न्यू इंसान देखेगा ना जिसको BTS का और वो एनिमेशन बड़ी क्यूट है वो हां नहीं एनिमेशन क्यूट है वो एनिमेशन वे ही इज क्राइंग ओ यार नहीं आई या इट इज नाइस और वो जो लास्ट में मैजिक होता है ना एकदम से गर्ल अपीयर होती है वो ब्लैंकेट से उसको लगता है चली गई बट उसको रियलाइजेशन होती है कि ओके शी वाज देयर किसी डिफरेंट तरीके से बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम फिजिकली किसी के साथ प्रेजेंट हो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कितने किसी को कितना सपोर्ट कर रहे हो राइट थ्रू द मैसेजेस थ्रू द कमेंट्स जैसे कि हम लोग भी आपको बोलते हैं कि आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप हमें हमारे रिव्यूज़ बताते हैं हमें बताते हैं कि आपका थोड़ा सा ये गलत है या फिर थोड़ा ये सही कर लीजिए या फिर आपने अच्छा किया जो भी आप जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं वो हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं टू डू गुड वर्क कि हम लोग और अच्छे से करें सो आपको ये रिव्यू कैसा लगा आपको ये सॉन्ग कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिर से और आज के लिए बस इतना ही हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियोस में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर